शिवसेना यूपी टी सांसद संजय रावत के बयान पर महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संजय रावत पर निशाना साधते हुए कहा, मैं मूर्खों को जवाब नहीं देता, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे हिंदुओं का अपमान करना बंद करें। आपका राम जन्मभूमि के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है। उद्धव ठाकरे जी की सेना इस प्रकार से बातें करके करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है, जो कि गलत है। पहली बात तो मैंने जिंदगी में ये फलसफा मेरा है कि मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस प्रकार से हिंदुओं का अपमान करना छोड़ दीजिए। आपका राम जन्मभूमि के आंदोलन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। और अब इस प्रकार से बातें करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम जो उद्धव ठाकरे जी की सेना कर रही है, बहुत गलत है। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी। उस मौके पर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। इस बीच राम का यह मंदिर अयोध्या में विवादित स्थल पर नहीं बल्कि वहां से 4 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया, इसलिए इस पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। संजय रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की आलोचना की। बीजेपी का नारा था मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन आपको वहां जाकर देखना चाहिए कि मंदिर बना है या नहीं। जहां मंदिर बनाने की बात की थी वहां मंदिर नहीं बना है। वहां से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर बना हुआ है, इसमें कोई भी बना सकता है, लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। यह विवादित जगह आज भी वैसी ही है। संजय रावत ने कहा कि बीजेपी को इस बारे में बात करनी चाहिए। डेस्क से मुंबई महानगर की रिपोर्ट।